हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन दम बिरयानी। मैंने इसे बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगी मटन, बासमती राइस, घी, जफरन, बिरयानी मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, फ्राई किया हुआ अनियन, लौंग, काला नमक, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी। अब हम गैस में एक प्रेशर कुकर पैन गरम किया है, उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल गरम होते इसमें हम मटन डाल देंगे और मटन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। और मटन जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और इसे हम अच्छे से मिला देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डाल के इसे हम और एक बार मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। सारे मसाला हमने डाल दिया है, तो अब हम कुकर को कवर करके हाई फ्लेम में 1 सीटी तक पकाएंगे। 1 सीटी लग गया है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडे होने के बाद हम इसे निकाल लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही, बिरयानी मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, घी, नमक। सबको डाल के हम मटन को अच्छे से मिला देंगे मसाला के साथ और इसे हम अच्छे से मिला के 30 से 40 मिनट फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। जब तक ये फ्रिज में मैरिनेशन हो तब तक हम गैस ऑन करके एक पतीले चढ़ा देंगे और इसमें हम पानी गर्म होते डाल देंगे इलायची, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर और अब हम इसमें डाल देंगे बासमती राइस। राइस को हमें 40% पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसे हम 40% ही पकाएंगे। तो एक बार हम इसे चेक कर लेंगे और ये देखिए राइस हमारा लगता है 40% पक गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और तुरंत हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे बिरयानी की लेयर में यूज करेंगे, तो चलते हैं इसकी अगली प्रोसेस में। तो मटन बिल्कुल रेडी है मैरिनेशन होके। तो सबसे पहले हम मटन को डाल देंगे पतीले में और मटन डाल के अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ अनियन और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। घी डाल के अब हम इसमें डाल देंगे राइस। सारी जगह पे हम एक जैसा राइस डालेंगे। तो अच्छे से मिला के अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ ऑनियन और फिर हम इसमें डाल देंगे और 2 चम्मच घी। अब हम इसमें डाल देंगे जैफरन। जैफरन डालने से इसका कलर बहुत अच्छी आती है और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच जैफरन डाल दूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी फूड कलर। फूड कलर यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको कलर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें जो बाकी राइस है वो डाल देंगे। सारी राइस को हमने यहाँ पे डाल दिया है, तो अब हम इसमें जो बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स है वो हम डाल देंगे। ऑनियन,
और अब हम इसमें डाल देंगे जो बाकी सारे सेफ्रन है और घी भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं टोटली 4 चम्मच घी यूज किया है। बिरयानी की लेयरिंग कंप्लीट है तो अब हम इसे आटे से सील करेंगे और अच्छे से इसे सील करें ताकि इसके अंदर से कोई भी हवा नहीं निकले। और अब हम गैस ऑन करके पतीले को चढ़ा देंगे और पहले हम इसे 15 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और 15 मिनट बाद तवे पे हम इसे 20 से 15 मिनट मीडियम और लो फ्लेम के बीच में पकाएंगे। और 15 मिनट हो गया है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं इसे खोलने के लिए। तो ये बहुत ही गर्म है, इसे सावधानी से खोले। तो ये देखिए दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है और ये देखने में भी बहुत बढ़िया बनी है। तो अब हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे और इसे हम एक साइड से निकालेंगे और ये देखिए इसके कलर बहुत बढ़िया आया है और इसकी फ्लेवर भी बहुत अच्छी आ रहा है। और ये हमारा मटन दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है। मैं इसे ऑनियन और नींबू के साथ सर्व किया है ताकि ये देखने में भी और भी अच्छी लगे। तो आप इस मटन दम बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।